किंग के नाम से मशहूर 94 साल के वेटरन एक्टर दिलीप कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। जी हाँ, उन्हें कल इलाज के लिए मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप को डिहाइड्रेशन और यूरिन इन्फेक्शन की वजह से एडमिट किया गया है। दिलीप के करीबी की माने तो अब वो ठीक है और चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें 2 दिन और अस्पताल में रहना पड़ सकता है। अस्पताल में उनके साथ उनकी वाइफ सायरा बानो और कुछ रिश्तेदार भी हैं। आपको बता दें कि दिलीप कुमार को पिछले साल दिसंबर में भी बुखार और पैरों में सूजन के कारण लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपनी एक्टिंग से सभी को दीवाना बनाने वाले दिलीप फिल्म मुगले आजम, देवदास, गंगा जमुना, राम और श्याम, नया दौर, शक्ति, सौदागर में काम कर चुके हैं। दिलीप कुमार आखिरी बार साल 1998 में रिलीज हुई किला में अभिनय करते हुए नजर आए थे। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।